मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लगातार ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिले में घटिया और अमानक चावल की सप्लाई की जा रही है और इस प्रकार के चावलों से गोदाम भरा पड़ा है। डिंडोरी जिले के नाना विभाग में ऐसे एक नहीं बल्कि कई मामले सामने आ चुके हैं जहां घटिया चावल सप्लाई के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में अमानक स्तर का 12 लाट चावल रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 जून से लेकर 15 जून तक मारेवा, मां शारदा, श्री फूड, जेपी राइस मिलर्स मांडला के यहां से लगभग 30,480 क्विंटल चावल अमानक स्तर का आया था। इसे क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा फेल कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक वो चावल वहीं रखा हुआ है। अभी रिजल्ट की जानकारी मेरे को नहीं है। ये हमारा सर्वे जो है, हमारा पोर्टल बंद है। तो पोर्टल जब में हमारा सर्वे जो है, जो NBFC कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है, ये जब लाट फेल करेगा या पास करेगा तो हमको दिखेगा। ये दिनांक 12 मई से पोर्टल बंद है हमारा। गोदाम में पिछले 7 दिनों से अमानक स्तर का चावल रखे होने पर बसपा जिलाध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने नाना विभाग के अधिकारियों पर अमानक स्तर का चावल शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर खपाने का आरोप लगाया है। वहीं जिला प्रबंधक अरुण मौर्य का कहना है कि 5 मिल के द्वारा अमानक स्तर का चावल पहुँचाया गया है जिसे क्वालिटी इंस्पेक्टर ने पहले ही फेल कर दिया था। अब मिल मालिकों को नोटिस भेजी जा रही है। यहाँ अधिकारी कर्मचारी जो नान विभाग में है पदस्थ जिम्मेदार, वो लोग क्या करते हैं, घटिया चावल मंगा के और जितने भी सोसाइटी सरकारी सभी समिति उनमें बेचने के फिराक में रहते हैं कि चावल डिंडोरी जिले में गरीब आदिवासी है वो खाएंगे चावल, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि गरीब आदिवासी जरूर है लेकिन घटिया चावल आपने पास रखो, खुद खाओ, इसकी हम जांच करवाएंगे और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करवाएंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।